as you know, the song has crossed 27 million views, you know. और मुझे तो अब यकीन ही नहीं होता है कभी कभी कि इतने जल्दी जल्दी व्यूज़ कैसे होते हैं, यू नो. 27 मिलियन व्यूज़ इज़ अ लॉट ऑफ व्यूज़. एक टाइम था जब हम लोग ने बाकी बातें रिलीज़ किया था, बाकी बातें पीने बाद जो इतना बड़ा हिट हुआ था, इवन एट दैट टाइम इट रीच 1 मिलियन व्यूज़ इन लाइक सम 2 वीक्स. तो अभी 3 दिन में 15 मिलियन व्यूज़ हो गया था आया ना. तो सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द रिस्पॉन्स. इंडस्ट्री से भी इतना सपोर्ट मिला है मुझे कि सलमान खान भाई ने भी ट्वीट किया है. ही वॉज सो हैप्पी विद द सॉन्ग. ही टोल्ड मी ही लव्ड द सॉन्ग. उन्होंने तो इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी शेयर किया था गाना. तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट्स. फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द इंडस्ट्री आई हैव गॉट लॉट ऑफ सपोर्ट. ऑल लॉट्स ऑफ फिल्म एक्टर्स हैव ट्वीटेड अबाउट इट एंड एवरीबडी इज लविंग द सॉन्ग. आई कुडंट बिलीव इट. वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी. आई एम अ बिग फैन ऑफ सलमान भाई. ही इज बीन वेरी सपोर्टिव ऑफ द सॉन्ग. He loves the song, that's why he supported it. He's got such a big heart, as everybody knows. उनका दिल तो इतना बड़ा है ही, और जब भी सपोर्ट करते हैं तो फुल ऑल आउट सपोर्ट करते हैं. तो आई एम वेरी हैप्पी टू हैव हिज सपोर्ट. आई कुडंट बिलीव इट व्हेन आई फर्स्ट हर्ड दैट ही हैड शेयर्ड द सॉन्ग. आई कुडंट बिलीव इट. आई वॉज शॉक्ड एंड आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी एंड आई स्टिल कांट बिलीव इट एक्चुअली कि सलमान भाई ने मेरा गाना ट्वीट किया है. आई मीन इट्स ही इज़ द बिगेस्ट स्टार इन द कंट्री, यू नो. No, it was very good. I think that she was the right choice for the song. She is, of course, a star in Pakistan, and people are starting to know her in India as well. So, unka pehla gana hai. Actually, she's never done a single before this. Unhone sirf Coke Studio ka gana kiya tha aur ek picture mein gana tha unka, ek villain mein. So, it's her first debut pop single. So, I'm very happy that we could do that together. मुझे obviously लगता है कि music के लिए कोई boundary नहीं रहना चाहिए, लेकिन वो कह के मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी इंडियन गवर्नमेंट करती है मैं फुली सपोर्ट करता हूँ उनको. क्योंकि ऐसे तो नहीं है कि कुछ अलता बलता करेंगे उन लोग. दे आर डूइंग इट बिकॉज फॉर अ रीज़न. देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट द पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज़ डन दैट द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ जस्ट रिस्पॉन्डेड टू. तो आई फील लाइक इट्स नॉट रॉन्ग फॉर देम टू डू. आई एम अ वेरी प्राउड इंडियन. आई सपोर्ट इंडिया कम्प्लीटली. लेकिन दैट बींग सेड द पाकिस्तानी सिटीजन आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर दैट. सो मोमिना इज़ अ रेगुलर पाकिस्तानी सिटीजन. So they should not be banned. I think that art should transcend politics. But that being said, I do believe that the Indian government is right in doing whatever they're doing, because at the end of the day, they are responding to wrongs committed by Pakistan. So as an Indian, I support the Indian government completely. I have a song coming out in September. It's a solo song. Main naam to nahi bolunga abhi. Lekin collaboration nahi hai. Next song is a solo song in September. Second week, I think we're releasing the song. और बिसाइड दैट आई एम ऑल्सो डूइंग सम स्टफ फॉर बॉलीवुड. में मुझे अभी पता चला है कि मेरा एक जो गाना जो अभी रिलीज़ हुआ है नॉन फिल्म, वो फिल्म में चला गया. दैट विल ऑल्सो रिलीज बाय द एंड ऑफ द ईयर.